ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर अपनी दिली तमन्ना पूरी कर ली और देशवासियों को शानदार तोहफा दिया। उनकी कामयाबी के बाद कई एक्सपर्ट भारत को जैवलिन का पावर हाउस कह रहे हैं। भारत के 3 जैवलिन थ्रोअर टॉप 6 में रहे। अब भारत के तकरीबन 10 खिलाड़ी 80 मीटर से ज्यादा भाला फेंक रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इनको कभी भी बड़ा मेडल जीतते हुए देख सकते हैं। भारत इसमें खेल का रुतबा तो बढ़ा ही है, नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू आसमान छूने लगी है। नीरज में ऐसा क्या खास है जो उन्हें दूसरे सभी एथलीटों से अलग करता है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमने आज एक खास मेहमान हरीश बिजूर, जो ब्रांड गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उनको आमंत्रित किया है। और आप नीरज चोपड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं, ये और हमारे साथ हैं हरीश बिजूर, ब्रांड गुरु। आपका बेहद स्वागत है हरीश। सबसे पहले, पिछले 2 दिनों में ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो ये खबर नहीं देखी होगी। एज अ ब्रांड गुरु, आप इनको पिछले 2 दिन में कहां से कहां उठता हुआ देखा आपने? देखिए, जो हंगरी में हुआ है वो डेफिनेटली नीरज चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एवरी गोल्ड दैट ही ब्रिंग्स इन वो ब्रांड एंडोर्समेंट टर्म से प्लैटिनम बन जाता है, इन द सेंस दैट देखिए, नीरज चोपड़ा अभी की स्थिति देखते हैं तो ही इज इन द टॉप 25 एथलीट्स हु आर इन द टॉप 25 लिस्ट। लेकिन ये गोल्ड जो हंगरी में हुआ है, अक्रॉस द वर्ल्ड, सो ही इज लाइकली टू कम अप टू अ बिग नंबर, ही माइट बी इन द फर्स्ट 20 अभी देखेंगे तो। और जैवलिन ऐसा एक यूनिक नीश स्पोर्ट्स है, लेकिन यहां से भी उभर के नीरज चोपड़ा जो काम कर रहे हैं एक फुल पैकेज के हैसियत से कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है एंड अचीवमेंट ऐसे चलता रहा तो द स्काई इज द लिमिट। आपने अचीवमेंट की बात की, जाहिर तौर पे उनके अचीवमेंट पे कोई डाउट नहीं है। 88 मोस्ट मिस्टर कंसिस्टेंट आजकल लोग नाम दे रहे हैं और हैं वो, मतलब दुनिया के किसी भी, जैसे मैं हंगरी में आज बातचीत कर रहा था जेएसडब्ल्यू इनकी जो टीम है उनसे, तो उन्होंने कहा कि हंगरी में कोई ये नहीं है, विंड स्पीड नहीं था, उसके बावजूद ये फेंक रहे थे। अभी ज्यूरिख गए हैं, वहां भी कोई विंड असिस्टेंस नहीं है, तो जरा सा विंड असिस्टेंस हो तो ये 90 एक और जो बैरियर है और एक एलीट लीग में जाने की बात उनकी पूरी हो सकते है। लेकिन एज अ ब्रांड में देख रहा था, जब ये भाला फेंक रहे थे तो स्विगी, उबर, इस जैसे 10-11 ब्रांड लगातार ट्वीट कर रहे थे। क्या ये इंडिकेशन मान सकते हैं कि ब्रांड इनके पास आने वाले, जैसे कि इनकी जो टीम है उनको वो एक्सपेक्ट कर रही है कि साल के अंत तक करीब करीब 25 ब्रांड इनके पास हो जाएंगे? जरूर होगा, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक चीज भी होती है, तो ऐसी होती है कि कई ऐसे भारतीय ब्रांड है जो उनका नाम को हाईजैक करके और बढ़ा रहे हैं अपनी 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 नॉन ब्रांड इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से। ये सब उनकी इमेज के लिए अच्छी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो शायद 15-16 ब्रांड्स को एंडोर्स करते रहेंगे। उनकी ब्रांड इमेज बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज है, उनकी ब्रांड इमेज ऐसी है कि वो एक होलिस्टिक स्टार जैसे उनको देखा जाता है। सो ही इज गॉट एवरीथिंग, कंप्लीट पैकेज, गुड स्पॉट एंड 90 मीटर पार करें तो ही इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड। अच्छा, अभी जो बताया जाता है 26.5 मिलियन है डॉलर उनकी ब्रांड वैल्यू, या 220 करोड़ रुपया के आसपास आता है, इसका आम जनता के लिए क्या मतलब समझा जाए? मतलब 220 करोड़ रुपया वो साल में कमाएंगे या कैसे? या उसके अलावा एडवर्टीजमेंट है, जो प्राइज मनी है, जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो देती हैं और वो सब जो, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है वो अलग है, लेकिन ब्रांड के थ्रू आप क्या इसको इंटरप्रेट करते हैं कि 220 करोड़ 250 करोड़ के आसपास साल में कमाएंगे? मैं ज्यादातर इन नंबर्स को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अभी देखेंगे तो जो कोई भी एक ब्रांडेड और सब अर्निंग होता है उसकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत अंतर रहता है। इसकी ये बात है कि उनकी वैल्यूएशन, उनकी पोटेंशियल वैल्यूएशन क्या है, उनकी अर्निंग्स कितनी हो सकती है, एक नोशनल नंबर भी बनता है। लेकिन इस सब चीज को हम छोड़ें और ये कहें कि वो कितने ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, कितने ब्रांड्स इनके पास आ रहे हैं, कितने ग्लोबल ब्रांड्स उनके पास शायद फ्यूचर में आएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंस रखती है। एक बहुत अहम बात है, आप ब्रांड गुरु के तौर पे, ठीक है, गेम का इमेज एक है, उनके आसपास मार्केट फ्लो कर रहा है या जो मार्केट अपने आप को, जैसा आपने कहा कि कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है बाकी एथलीट जैसे होते हैं जब खेल रहे हैं, खासकर
ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे अपना मत रखते, जैसे जो लड़कियां बैठी थी, रेस्टलर्स जो बैठी हुई थी, उनके लिए इन्होंने एक तरह से सबसे पहले ट्वीट करने वालों में थे, और वो खिलाड़ी जो कि खेल रहा हो और इतना बड़ा रिस्क ले उस पर, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल डिवाइड भी हो रहा है दिखने को और बहुत सारी बातें कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, इस बीच में एक सॉलिड स्टैंड लेना, या नदीम अरशद के साथ है जो पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर है, उसके साथ अपना एक स्टैंड लेना, कहीं फंसते नहीं है, कोई अगर मीडिया वाला कोई गलत सवाल भी, कोई अगर किसी ने गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लिया तो आसानी से उससे बच के निकल गए, क्या ये सारी जो चीजें हैं ऑफ द ट्रैक आपके जो जो एक्टिविटी है, आपका जो पर्सोना है, क्या वो ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है? बहुत बढ़ाता है। लेकिन ये हमने विराट कोहली के हिसाब से भी देखा है पहले, और अब मैं नीरज चोपड़ा के हिसाब से देख रहा हूं, वो तो एक वो कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से हम तीन बात के करते हैं, ब्रांड इज अ पर्सनैलिटी, उनके पास वो पर्सनैलिटी है, ब्रांड इज अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर दिखाई देती है वो कैसी एक्शंस लेते हैं, एंड थर्ड आइटम है ब्रांड इज अ करिश्मा। वो तीनों आइटम नीरज चोपड़ा के पास है, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एथलीट, फर्स्ट नॉन क्रिकेट एथलीट टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट। आई विश हिम द वेरी बेस्ट। चलिए, आप उनको कर रहे हैं और उनके फैंस की संख्या ब्रांड गुरुज भी हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो वेरी मच हमसे ज्वाइन करने के लिए, और आम लोगों को, क्रिकेट नीरज के फैंस को एनलाइटन करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और नीरज का जो पर्सोना है, जैसे ब्रांड गुरु बता रहे हैं हरीश बिजू, और इनकी जो अब हर तस्वीरें हैं, इनमें एक स्टाइल है, एक स्टेटमेंट है, इनका जो बोल्ड पर्सनैलिटी है, ये सब मिलाकर इनको टॉप क्लास ब्रांड बना रही है, क्रिकेटर्स के एट पार खड़ा कर रही है, दुनिया के 25 टॉप ब्रांड में आ रही है, 200% इनकी वैल्यू बढ़ी है, और जाहिर तौर पे अभी दो दिनों बाद ज्यूरिख में डायमंड लीग है, वहां कारनामा करते हैं, 90 क्रॉस करते हैं, तो ये और आसमान छूने वाली है।